विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश जय जय भैरवी मातृपुर भैरवी ये मैं क्या देख रहा हूँ जय भैरवी मातृपुर भैरवी मा असुरराज भंडासुर असुरराज आप क्या विचार कर रहे हैं इनका आभार पराक्रम तो हो सकता है इन देवियों से कैसे पराजित हो सकता है अपने युवा योद्धाओं का संहार कदापि नहीं होने दूंगा पुत्रों तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करो उससे पहले मैं तुम्हें वो अस्त्र दूंगा जिससे तुम अजय हो जाओगे अष्टविशांग पुत्रों मैं तुम्हें विनाशकारी मायावी शक्तियां प्रदान करता हूं अष्टविशुक्र पुत्रों तुम सुरक्षा प्रदान करने वाली मायावी शक्तियों के स्वामी बनोगे अष्टभंडासुर पुत्रों आज के इस महायुद्ध में हमारे सेनापति होने के नाते तुम्हें वो देवास्त्र दूंगा जिसका आघात अत्यंत भयानक होगा विद्युत अस्त्र नागास्त्र वर्णास्त्र वायुअस्त्र यमास्त्र असुर महानायक भंडासुर की जय असुर महानायक भंडासुर की जय असुर महानायक भंडासुर की जय एक नहीं 105 ब्रह्मांडों के देवताओं की शक्ति जिसमें समाहित है ये वो देवास्त्र है अर्थात हमारे शस्त्रों से 105 गुना अधिक शक्तिशाली शत्रु सेना हमारे प्रहार से त्राही त्राही कर उठेगी आप पिताश्री उन नारियों को ऐसी पराजय देंगे कि उनका गर्भ धूल में मिल जाएगा नारियों को सर्वाधिक गर्व अपने अलंकार पर होता है जिसका प्रतीक वो विहीनी होती है जिससे अपने वो बंधे केशों का श्रृंगार करती है उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है पिताश्री आज्ञा दीजिए विजयी भावा विजयी भावा स्वामी एक नन्ही योद्धा देवी बाल त्रिपुर सुंदरी से युद्ध के लिए भंडासुर ने अपने युवा योद्धाओं को कितने शक्तिशाली अस्त्र प्रदान कर दिए हैं मात्र 8 वर्ष की देवी तिरस्करणी इन भयानक योद्धाओं का सामना कैसे करेगी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं माता
कितना आनंद आ रहा है मुझे। ये असुर सेना भीषण युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु माता बाल त्रिपुर सुंदरी को देखकर तो ये आभास हो रहा है जैसे उन्हें युद्ध की कोई चिंता ही नहीं। सृष्टि गोपाल वैभव से भरकर सभी के हृदय को शांत और शीतल करने वाली प्रकृति की ये मनमोहक सुंदरता ही सभी स्थानों पर सदैव रहनी चाहिए, किंतु दुष्ट मूर्ख ये सत्य कहाँ समझेंगे जो सत्ता और अधिकार के लालच में सभी स्थानों को युद्ध भूमि बनाने पर आतुर रहते हैं। एक बालिका ये युद्ध करेगी हमारी सेना से? नहीं नहीं, ये मैं क्या विचार कर रहा हूं। मात्र 8 वर्ष की बालिका मेरे बलशाली पुत्र का वध कैसे कर सकती है? मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा हूं। अब तो मेरे पुत्रों को विजयी होकर उनके श्रृंगार के चिन्ह वीणी लाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे मैं उपहार समझू अपनी पुत्री को दूंगा। ये विचित्र मूषक क्या चाहता है? अवसर पाते ही मैं यहाँ से उछल हो जाऊंगा। कहाँ चले? मैं शत्रु नहीं मित्र हूँ, मुझे शीघ्र एक विशेष कार्य करना है तो मुझे जाने दो। हाँ शीघ्रता तो मुझे भी है बहुत विशेष कार्य करने की, तभी तो मैं पिताश्री को ढूंढ रही हूँ। तो क्या तुम भी? नहीं मैं तो सत्य बोलने में कैसे हिचकिचाहट, कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मेरे पिता असुर राज भंडासुर के शत्रु तो नहीं हो जो विचित्र मूषक का वेश धारण कर यहाँ आ गए? नहीं नहीं, तुम्हारे समान सरल बालिका का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? किंतु मेरे पिताश्री तो बहुत बलशाली है, असुर महानायक है जिनसे मैं अपार स्नेह करती हूँ। वो तो अभी युद्ध भी कर रहे हैं, उनका तो शत्रु हो सकता है ना? उचित ही समझा था मैंने, ये भंडासुर की पुत्री है, शत्रु की पुत्री शत्रु इनकी। ये यहाँ किस मंशा से आया है? गणेश जी भी तो भवन में है, कहीं ये गणेश जी को हानि पहुँचाने तो नहीं आया है? इस बोलने वाले मूषक पर मैं तनिक भी विश्वास नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं भंडासुर की इस पुत्री पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही गणेश जी को उनकी दुविधा से मुक्त कराना होगा। तीन मोदक और खाए तो मेरा पेट भर जाएगा, किंतु यदि मैं रुका तो मेरा वचन भंग होगा। फिर क्या उपाय है जिससे मैं यहाँ से दूर हो सकूं?
जिससे न भंडासुर मुझे अपनी ढाल बना सके और उसका प्रभु महाशिव का आवाहन यज्ञ भी रुक जाए। मुझे प्रभु महाशिव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात वो आ रहे हैं। यज्ञ भूमि हो या युद्ध भूमि, विजय तो हमारी ही होगी, क्योंकि ये बालिका खेल सकती है किंतु मेरे पुत्रों के समान युद्ध कदापि नहीं कर सकती। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी। दुष्टों की सेना समीप आ गई है। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं। अरे वज्र से 105 गुना अधिक शक्तिशाली है ये वज्र, और उसके साथ इन अनेकों शस्त्रों से सज्जित सासुर सेना को देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भला कैसे रोक सकेंगे? बालिका, जानती हो तुम किसे रोकने का दुस्साहस कर रही हो? हम महानतम भंडार तुम्हारे स्वर से ये तितलियां भयभीत हो रही है। ये तुच्छ कीट तो कुचले जाने के लिए होते हैं, भला इनकी कौन चिंता करता है? मैं करती हूं, मुझे है इनकी चिंता। इनके जननी को कीटों की जननी ए बालिका, ये कोई उपवन या किसी बालिका का तितली के साथ खेलने का स्थान नहीं, युद्ध भूमि है ये, जहाँ अस्त्रों का प्रयोग होता है। मेरे लिए तो सारी सृष्टि मेरा उपवन, मेरे खेलने का स्थान, इसलिए जहाँ आप हैं वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान, वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान, किंतु युद्ध भूमि तो इसे आप जैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस पालिके, बस, तुम्हें अनुमान भी है कि तुम किसका मार्ग रोक के खड़ी हो? हम महानतम असुर भंडासुर और उनके वीर भ्राताओं के पुत्र हैं। बालिका, दूर से जितनी लघु दिखती हो तुम तो नजदीक से उससे भी लघु हो। हमारी महानता का परिचय तो हमने दे दिया, अब तुम बताओ कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसके सामने महानतम से महानतम भी झुकने पर विवश हो जाते हैं, जैसे कि तुम। गुस्सा से बालिका,
तुम्हारे माता पिता ने यहाँ तुम्हें मृत्यु के समक्ष भेज दिया है, बताओ कौन है वो? मैं सबकी माता हूँ, तुम मेरी माता पिता भला कैसे हो सकते हैं? जो था, है और होगा सब मेरे ही अंश है। प्रत्येक ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति मैं ही हूँ जो साकार होकर प्रकट हुई हूँ, इसलिए मैं ही समस्त संसार का आधार हूँ। पिता कुछ नहीं, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। एक बालिका समस्त सृष्टि का आधार और हम सभी उसके अंश हैं। तुम ये सत्य समझ सकोगी इसकी मुझे आशा भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी समझ तो तुम्हारे अहंकार ने भ्रष्ट कर दिए, किंतु जो सरल भक्ति का भाव रखते हैं, जो ये समझ सकते हैं, वो ये सत्य भली भांति समझ रही हैं कि मैं ही वो चैतन्य हूँ जिससे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। अर्थात माता बाल त्रिपुर सुंदरी, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही बाल रूप है, हम सभी उन्हीं के अंश हैं। धन्य है माता, धन्य है उनकी लीला। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी। इतनी छोटी बालिका के मुख से इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ए बालिका, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि महान तमसुर भंडासुर और हम सब में तुम्हारा अंश है। बंद करो ये अपनी मूर्खतापूर्ण बातें और हट जाओ मेरे मार्ग से, कि यहाँ एक भीषण युद्ध होने जा रहा है। तो रुके क्यों? युद्ध की इच्छा है तो आओ मुझसे युद्ध करो। तुम्हारी जैसी बालिका को खेलना ही शोभा देता है, युद्ध की कल्पना नहीं। वो भी हमसे जिन्होंने 105 ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करके भेंट स्वरूप अपने पिताश्री को दे दी थी। उन 105 ब्रह्मांडों के जननी भी मैं ही हूँ, और जिस भेंट की तुम बात कर रहे हो वो सत्य नहीं भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि वो सभी 105 ब्रह्मांड अभी भी मेरे पास हैं। तुम अपनी माया से हमारे सम्मुख कोई भी दृश्य प्रस्तुत करोगे और हम मानेंगे। हमें अपने समान बालक समझ रखा है क्या? सुनो हमारी अंतिम चेतावनी बालिका, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ न ये उपवन रहेगा और न तुम्हारी ये तुच्छ कीट तितलियाँ। संसार में कोई जीव तुच्छ नहीं, किंतु दुर्जनों की तुच्छ समझ उनके मन में दूसरों की तुच्छता का भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु वो सत्य नहीं होता। जैसे ये तितली जिसे तुम तुच्छ कीट मान रहे हो, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। बालिका को और सुधार दो इसकी समझ, जिससे ये हमारी शक्ति समझ सके। प्रतीत होता है ये असुर इस सुंदर उद्यान को रण का क्षेत्र बनाकर ही रहेंगे, अतः अभी आप सभी को यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ।
यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ। किसी को तुच्छ समझने की भूल कदापि ना करें। एक दिन का भी मनुष्य का घमंड तोड़ने की क्षमता रखता है। माता वहाँ उन 24 असुर पुत्रों से अकेले युद्ध कर रही है और अब मैं ये अंतिम दो मोदक खा सकता हूँ।